लेटेस्ट खबरों के अपडेट सबसे पहले पाने के लिए सब्सक्राइब करें गजब समाचार हिंदी यूट्यूब चैनल और दबाएं बेल आइकन। नमस्कार, आप देख रहे हैं गजब समाचार। दिल्ली के मौलाना आजाद डेंटल हॉस्पिटल के सैकड़ों बच्चों ने आज दिल्ली के विधानसभा क्षेत्र में प्रदर्शन किया। जिन बच्चों का यह समय कुछ सीखने का था, लोगों को इलाज करने का था, आखिर क्यों ये सभी एकाएक सड़क पर आकर नारेबाजी करने लगे? क्या है पूरा मामला, आइए देखिए इस रिपोर्ट में। सर, हम अपनी मर्जी से नहीं आया, हमें मजबूर किया गया है ये डिसीजन लेने में, क्योंकि हम पिछले 3 या 4 सालों से ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हमारी स्टाइपेंड को रेज किया जाए। हमें खुद अच्छा नहीं लग रहा कि हम पेशेंट छोड़ के यहाँ बैठे हैं और कुछ कर नहीं रहे हैं, बट हमें करना पड़ रहा है क्योंकि हमारी कोई सुन नहीं रहा है। क्या मांग है सर? हमारी सिर्फ छोटी सी मांग है कि हमें इक्वालिटी दी जाए, क्योंकि हम और MBBS स्टूडेंट्स एक ही एग्ज़ाम के थ्रू आते हैं, सेम हार्डवर्क करते हैं, बट क्यों फिर डिस्क्रिमिनेशन है स्टाइपेंड में? क्यों उन्हें 23,000, क्यों हमें 8,900? ऐसा क्या लगता है कि ऐसे डिफरेंस किया जा रहा है? सर, इसमें तो हमें तो कुछ नहीं लगता, वो तो सरकारी है, पता नहीं उन्हें क्या लगता है, हम तो सेम ही काम करते हैं। सर, हम लोग करीबन यहाँ पे 100 से 150 स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, सारे इंटर्न से लेके फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर, सारे बच्चे यहाँ पे मौजूद हैं कॉलेज के। 4 सालों से आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी मांग रहे हैं, अभी तक नहीं हुआ, क्या लगता है जब सड़कों पे आने से हो जाएगा? सर, अब हमें सड़कों पे आना पड़ा सर, ये भी हमारी मजबूरी है। अगर वो बोल रहे हैं कि अगर MBBS और BDS में कोई फ़र्क है, तो फ़र्क फिर सारे लेवल पे रहना चाहिए ना, तो इंटर्न्स के लेवल पे सिर्फ है, और हमारे ऊँचे पोस्ट जो हैं, पोस्ट ग्रेजुएट्स, जूनियर रेजिडेंट, सीनियर रेजिडेंट, प्रोफेसर्स, सारे की सैलरी MBBS और BDS वालों के सेम है, तो हमारे सिर्फ हमारे इंटर्न के पोस्ट पे क्यों डिस्पैरिटी है इतनी? हमारी फाइट इसके लिए है, इसके लिए की है। आपकी मांगे जो है दिल्ली गवर्नमेंट से या सेंट्रल गवर्नमेंट से? सर, हमारी कॉलेज जो है दिल्ली गवर्नमेंट से फंडेड है। तो क्या इसके लेकर जो आपके एरिया में जो डिपार्टमेंट है, अभी तो अगर बात करें सतन जी, आप जैन जी जो है, आप स्वास्थ्य मंत्री है, केंद्रीय मंत्री की बात करें हर्षवर्धन जी, दोनों अगर आप राज्य मंत्रालय से कुछ नहीं मिलता था, क्या केंद्रीय सरकार के पास गए? सर, वो यही बोल के हमें वापस लौटा देते हैं कि ये कभी केंद्र सरकार का मामला है, ये राज्य सरकार का मामला है, इस दोनों के बीच में हम फंसे हुए हैं बहुत टाइम से, कोई क्लियर नहीं बताता कुछ कि हमारी फाइल कहाँ है, किस पोजीशन पे है, वो करना नहीं चाहते, और अभी तो जितना हमें पता लगा, हर समय कोशिश कर रहे हैं हमारी फाइल स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू जाए या मिनिस्ट्री में। 8,000 समथिंग आपको स्कॉलरशिप मिलती है, क्या लगता है कि इस पे पर आप एक जो अपना जीवन यापन कर सकते हैं या फैमिली दे सकते हैं? सर, जैसे हम सब जानते हैं कि एक मेडिकल स्टूडेंट को एक एग्ज़ाम क्वालिफाई करने में ही कम से कम 2 से 3 साल लगता है, तब जाके वो एक कॉलेज में आता है। इतने उम्र में बच्चा जब 5 साल पढ़ने के बाद वो तब भी यही सोचता है कि अगर मैं अपने पद पे कुछ कर पाऊँ तो बहुत अच्छा है, परंतु 8,900 रुपये में आजकल सिर्फ ट्रैवलिंग का ही खर्चा निकल पाता है, उससे ऊपर तक आप पहुंच ही नहीं सकते हो, और हमारी लाइफ में हम अभी तक पेरेंट्स के ऊपर ही डिपेंडेंट हैं, हमें हर चीज़ के लिए अपने पेरेंट्स से ही पैसे मांगने पड़ते हैं, कॉलेज का कुछ सामान खरीदना हो, कुछ भी करना हो, हमें सब कुछ पेरेंट्स से लेना पड़ता है। सबसे मेन प्रॉब्लम जो है हमारी वो यही है कि हमारी स्टाइपेंड उस लायक ही नहीं है कि हम अपने लिए खुद कुछ कर सकें। अगर हमारा स्टाइपेंड आगे होगा तभी तो हम इंटर्न लेवल को जब पास आउट करेंगे, BDS को ख़त्म करेंगे, उसके बाद हमें आगे की भी तैयारी करनी है, या तो हम अपना क्लिनिक खोलें या हम PG की प्रिपरेशन करें, पूरी ज़िंदगी तो अपने माँ बापों के पैसे पे नहीं पल सकते, तो हमें अपने खुद के लिए भी एक आश्वासन चाहिए, अपने लिए भी कुछ बच्चे को सेविंग्स चाहिए होती है ताकि वो अपनी लाइफ में कुछ आगे बढ़ सके, क्योंकि कॉलेज वाले तो कोई इतनी खास स्कॉलरशिप या कुछ देते नहीं है, एक इंटर्न को सिर्फ और सिर्फ एक स्टाइपेंड ही मिलती है जिस पे वो बेस्ड होता है, जो कि सिर्फ मात्र 8,900 रुपये है, जो कि मेरे हिसाब से एक लेबर को भी इससे ज़्यादा कमाता होगा। हम 24 घंटे से लेके मतलब हम कम से कम 8 से 9 घंटे का काम करते हैं, कार्य करते हैं, हम एक दिन में कम से कम 10 से 15 पेशेंट करते हैं, लेकिन तभी हमें मिलता क्या? अगर आप इसका कैलकुलेशन करें तो बहुत ही कम पैसा है ये, जिससे हमारी दिनचर्या के हम कुछ भी नहीं व्यतीत कर सकते प्रॉपर। अगर सरकार, मैं आपसे जानना चाहूँगा, अगर सरकार इससे ना माने या कुछ ना अपनी सुनवाई हो, तो अगला कदम क्या होगा?
सर हम रेगुलरली, हम तो कॉलेज नहीं जा रहे हैं, हम कॉलेज नहीं जाएंगे, अल्टीमेटली कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, पेशेंट्स का ही फर्क पड़ेगा, सिर्फ पेशेंट्स ही अफेक्ट होंगे, आप लोग ही अफेक्ट होंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि मौलाना आजाद दंत जो हमारा डेंटल इंस्टीट्यूट है वो सबसे ज़्यादा पेशेंट्स डील करता है अपने दंत चिकित्सा से रिलेटेड। तो अगर हम वहाँ नहीं जाएंगे, और जैसा आप सब जानते हैं कि वहाँ सबसे ज़्यादा काम का लोड हम लोगों को बहुत ज़्यादा है, इसी वजह से अगर हम वहाँ नहीं जाएंगे तो अल्टीमेटली इफेक्ट आप लोगों पर ही होगा, सब सारा इफेक्ट पेशेंट्स पर ही आना है। तो क्या लगता है कि पेशेंट्स को दुख दर्द में देना क्या आप ही नैतिकता है क्या? ये हमारा काम बिल्कुल नहीं है, हम बिल्कुल नहीं चाहते हैं, लेकिन हम क्या करें, हम ये करने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि हमारे 16 साल से हमारी अभी तक हमारा साइपेंड नहीं है इसके आगे। अगर आप जैसे कि अभी एम्स के तमाम बच्चे उनके हक अधिकार के लिए अगर इससे हुआ था, तो एम्स और सफदरजंग के जितने भी बच्चे थे वो रोड पर आके पेशेंट के साथ में जाके प्रोटेस्ट किया, उनकी मांग मानी गई, क्या ऐसा लगता है कि आप भी अगर हॉस्पिटल में जाए और पेशेंट के साथ अपने दुख दर्द को बताएं कि अगर हम आपके साथ में हैं, हम आपको इलाज करने वाले हैं, तो शायद वो भी आपके साथ दे सकता है और आपकी मांगे जल्दी हो सकती है? सर वो जरूर हो सकते हैं, लेकिन हम बेकार पेशेंट्स को परेशान नहीं करना चाहते, तो हम पहले अपने ही लेवल पे इस बात को आगे बढ़ाना चाहते हैं।